हमारे साथ रकबर के वालिद साहब, उसके साथ ही भाई और वो शख्स मौजूद है जो उस वक्त मौजूद था जब ये पूरी घटना घटी, जब वो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए। क्या कहना चाहेंगे, क्या अभी तक जो कार्रवाई है पुलिस की उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तो कार्रवाई क्या, कुछ नहीं। अभी तक तो उन मुजरिमों को भी नहीं पकड़ा है, नहीं उसके उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बस तीन को अरेस्ट कर लिया है, कहते हैं कि भाई हमने उनको जेल भेज दिया। भाई तीन से बात क्या बनेगी? जो असल जो मुजरिम है, जैसे नवल किशोर है, आहूजा है, ज्ञानदेव आहूजा, जो खुद कह रहे हैं अपने बयान में कि हाँ मेरे आदमी हैं, मीडिया के सामने खुद बोला है मेरे आदमी हैं और मेरे आदमियों ने मारा है, तो फिर उसमें क्या फ़र्क रहेगा? भाई वो खुद भी दोषी है, और जैसे नवल किशोर है और न जाने कितने नाम हैं इसमें, तो उन सबको सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो अभी तक सरकार के जरिए आप लोगों को मदद मिली है, चाहे वो हरियाणा सरकार की बात करें या और कितनी मदद आपको मिली है और किस तरह की मदद आप चाहते हैं, उसके साथ ही जिस तरह से आपने ज्ञानदेव आहूजा का नाम लिया, उसको कितना जिम्मेदार इस तरह की घटना के लिए? उसको तो मैं फुल जिम्मेदार समझ रहा हूँ, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि हाँ मेरे आदमी मेरे आदमियों ने मारा है, तो फिर इसमें उसमें ये शक की गुंजाइश ही कह रही भाई इसको थोड़ा दोषी मानो, वो ये तो फुल दोषी है। जैसे नवल किशोर है, उस गिरोह का हेड है, माइंड मास्टर है, ये समझो नवल किशोर जो है उसको बढ़ावा देते हैं, और फिर ये लोग करते हैं, देखा है कि खुद मारते हैं, फिर उसके बाद उसके जो नेता लोग उनको मालाएं पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जब पुलिस को कितना जिम्मेदार मानते हैं कि कई घंटे तक वो घुमाती रही, अस्पताल करीब था वहाँ लेकर नहीं गई, चाय पी, तो कितना इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार मानते? नहीं, पुलिस के ऊपर तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि खुद जब ये पुलिस वाले उसको लेकर गए 3:45 या 4 बजे वहाँ लेकर गए हॉस्पिटल में, तो हसन डॉक्टर हसन अली है, सरकारी हॉस्पिटल है उसमें, तो वो कह रहे कि ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है कि पहली घंटी में ही मेरी आंख खुल गई, मैं जाग गया, और तो मैंने जाकर देखा तो वो तो मरा हुआ है। तो मैंने कहा भाई ये तो तकरीबन 3:30 या 3:30 घंटा पहले मरे हुए हैं, मृतक है, इसको तुम अब लेकर आए हो, तो अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए वो 4 बजे या 4:45 बजे उसको ले गए, और तो वो खुद नवल किशोर कह रहा कि 12:41 में मैंने पुलिस को फ़ोन किया, तो अब उसी वक्त का ये मामला है, ये तो कोई नहीं कि भाई ये पुलिस ने मारा है। भाई ठीक है, पुलिस 4:45 बजे ले गई है, तो उसको तो वहीं उन लोगों ने मार दिया है, उसको उसमें ये नहीं रहे कि पुलिस ने मारा। शुरुआत कहाँ से हुई थी, आप भागने में कामयाब रहे, किस तरह से आपने किस हालत में छोड़ा था? जी ललाउंडी गाँव हो जी, वहाँ से हुई जी, वहाँ मारा, हम ब्याई गाल रहा, दो बच्चा है, ये 15-16 दिन की ब्याई, गरीब आदमी और अकबर बच्चे इनके लिए दूध पीने के लिए ला रो, कुछ ऐसे जी मजदूरी में जी आदमी तू जाने थोड़ा बहुत दूध भी पीने के लिए भी हुए जी, और कुछ ऐसे जी जब बीएच भी दिया हुआ सुबह अपने घर को खर्चा चल जा जी, या वजह भैंस तो 1,80,000 की 50,000 की 70,000 की आ जी, गरीब आदमी की बस की तो नहीं थी महंगी खरीदने जी, ये 25,000 की 30,000 की 35,000 की आ जा जी, या सो हमारो जमींदार कार गुजारी सी हो जा जी, हम वहाँ से ला रहा जी नुकनी जार पास ऐसे मोटरसाइकिल आई एक, वहाँ पे दो आदमी है जी उनसे बिदक के जी नुकनी नरमा के खेत में घुस गई, नरमा खेत में घुस गई जी नुकनी जा रहे नहीं, एक मुठ एक वहाँ को पापड़ी पेड़ खड़ो नरमा खेत के डोल पे, हमने पता नहीं रकबर संभाल रो गान ने आगे सू और मैं बच्चा ने संभाल रो जा रहे नुकनी फायरिंग करी ऊपर सीधी सट नुकनी, हम जैसे रकबर तो दौड़ पर साड़ी खेत में लूँ और मैं दौड़ो जैसे डोल डोल पिया कर नुकनी, दो आदमी ने मैं पकड़ लियो, कुछ लोग उसके पीछे भग पड़े, फिर जी मैं कूनी सू देदा के छुड़ा के जी बोलो को मिलो छुड़ाना को जी, मैं वहाँ से भाग पड़ो जी नुक नरमा जैसे नरमा खिए तो बडेड़ बनो जी वहाँ में चिपक पड़ो, जब मैं मेरे तो उन्होंने पिंड छोड़ दियो जी वो को मिल गो जी, फिर रकबर के जैसे मारपीट पड़ रही जी वहाँ पे चिंगाड़ पड़ रही जी, जब उनका नाम आ रहा आपस में नबल है जैसे परमजीत है, विजय है, धर्मेंद्र है, नरेश है, ये सारे नाम तुमने पुलिस को बताए हैं? हाँ जी सब नाम बताए जी, जैसे आपस में मतलब कितने लोगों को पकड़ा हो, कितने नाम आपने बताए? जी मैंने 5 नामों को बता दिया ये, और जा रहे नहीं इनमें से 3 लोग पकड़े हैं जी, कह रहा है ये हमने अरेस्ट कर लिया पहुंचा दे जेल। उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार से मदद मिली है उससे आप कितना मुतमईन? सरकार से मदद मिली 5 लाख की हमें, और 3 लाख और मिला, 8 लाख रुपये मिले हरियाणा सरकार से, वहाँ से तो कोई मदद ही नहीं हमारी, वो तो हमारी जात फरियाद ही ना कर रहा, और हम तो ये चाहें कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो मुलजिम पकड़ा जाए। अभी जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उससे कितना संतुष्ट है? अभी तो अब करंट गया हाँ आज जी वहाँ, अभी तो कोई ना है वहाँ को भी भरोसा हमने,
बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये उसके परिवार के लोग हैं, वो शख्स भी मौजूद है जो उस वक्त अकबर के साथ मौजूद था। इनका ये कहना है कि मैंने बाकायदा पुलिस को नाम बताए हैं जो उस वक्त चीख पुकार के वक्त जब पीटा जा रहा था एक दूसरे को पुकार रहे थे, लेकिन 5 नाम बताने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैसी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।